हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ पहाड़ी स्टाइल आलू के गुटके। जो जानते हैं उनको तो पता है कि इसमें क्या क्या मसाला पड़ता है और कैसे बनता है। जो नहीं जानते हैं वो ये वीडियो उनके लिए है। और मैंने देखो यहाँ पे सारे मसाले यहाँ पे रख दिए हैं। और ये है जिम्बू जो हमारे पहाड़ों में मिलता है। ये है काला जीरा, इसको हम अपनी लैंग्वेज में थोया भी बोलते हैं। ये तो दिखने में हल्का जीरे की तरह होता है पर स्वाद अलग होता है इसका। आलू में ये डालने से ना बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। इसके बिना हम आलू के गुटके नहीं बनाते हैं। और मैं सिंपल तरीके से आलू के गुटके बनाऊंगी। और खाली नमक लूंगी, थोड़ा सा हल्दी लूंगी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो और ये मैंने थोड़ा सा दो चार दाने तैमूर के लिए हैं, इससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है आलू का, एक खुशबू आती है इससे भी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक करी पत्ता भी लिया है, एक करी पत्ते को मैंने काट के रख दिया है। इसका भी तड़का अच्छा लगता है, अच्छा स्वाद आता है आलू में इसका तड़का। करी पत्ता भी ऐड करेंगे हम थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो चुका है तो हम इसमें ऐड करेंगे काला जीरा यानी कि थोया। और फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा जिम्बू। फिर डाल देते कड़ी पत्ता और तैमूर के दाने। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा तेल में अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम डालेंगे इसमें मसाले यानी कि हल्दी नमक और मिर्च। ज़्यादा मसाले से इसमें अच्छा स्वाद नहीं आता आलू में। फिर ऐड करते हैं आलू के गुटके। इसको कर देते हैं हम थोड़ी देर फ्राई। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लो तो इसका स्वाद अच्छा आता है। ये हमारे पहाड़ी स्टाइल आलू के गुटके हो चुके हैं रेडी। कैसा लगा आपको ये पहाड़ी स्टाइल आलू के गुटके, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।